मैन एंड वुमेन, फिटनेस, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड रियल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बालों के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको बालों को मजबूत बनाने के लिए कुछ फूड्स के बारे में बताएंगे, और इसी के साथ जिन लोगों के बाल भी झड़ते हैं तो उन लोगों के बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अक्सर लोग अपने बालों की देखभाल करना तब शुरू करते हैं जब उनके बाल कमजोर और बेजान होकर झड़ने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये समस्या अब ऐसी हो चुकी है कि कम उम्र में ही लड़का हो या लड़की, सबके बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, जिसके कारण हर व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाने से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और फिर इसी कारण आपके बाल झड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बालों को झड़ने से रोकना है और अपने बालों को मजबूत बनाना है, तो आज की इस वीडियो में बताए गए फूड्स को अपने आहार में जरूर शामिल करें। तो चलिए बात करते हैं उन फूड्स की। नंबर 1, आंवला। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बालों को झड़ने से बचाना है और अपने बालों को मजबूत बनाना है, तो आज से ही सुबह खाली पेट 2 आंवलों का सेवन शुरू कर दें, क्योंकि आंवला बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा फूड है। आंवले के अंदर हर वो गुण पाया जाता है जिससे बाल मजबूत होते हैं। आंवले में विटामिन सी काफी पाया जाता है, जिससे ये बाल टूटने से रोकता है, और प्राकृतिक तरीके से ये बालों को तेजी से बढ़ाने में भी मदद करता है। नंबर 2, प्रोटीन युक्त आहार। फ्रेंड्स, बालों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए प्रोटीन का सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाल केराटिन नामक प्रोटीन से ही बनते हैं। बालों को टूटने से बचाने के लिए हम सबसे पहले अपना शैम्पू बदलते हैं। असल में बालों के टूटने की सबसे बड़ी वजह शैम्पू नहीं, बल्कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है। इसके लिए शरीर में प्रोटीन की मात्रा सही रखना बहुत जरूरी है। प्रोटीन आपको किन किन चीजों से मिलता है, ये तो आप अच्छे से जानते ही हो। नंबर 3, पालक। पालक के अंदर विटामिन सी, आयरन और बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपके बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं। और इसी के साथ जिन लोगों को बाल झड़ने की समस्या और बालों में डैंड्रफ होने की समस्या हो, तो वे लोग रोजाना एक गिलास पालक का जूस जरूर पिएं। इससे आपके बालों का झड़ना रुककर नए बाल दोबारा निकलने में मदद मिलती है, क्योंकि जो बाल बनते हैं वो केराटिन नामक प्रोटीन से बनते हैं, और पालक के अंदर केराटिन प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। और इसी के साथ आप पालक के जूस का सेवन करने से डैंड्रफ जैसी समस्याओं से भी मुक्त हो जाओगे। नंबर 4, अखरोट। जिन लोगों को बालों को टूटने से बचाकर मजबूत बनाना है और आप चाहते हो कि आपको बालों के झड़ने की समस्या का रोग ना लगे, तो अखरोट खाना आज से ही शुरू कर दें। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और बायोटिन नामक प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जो बालों के रंग को काला और घना बनाए रखने में मदद करते हैं। जिन लोगों के बाल कम उम्र में सफेद हो जाते हैं, उनके लिए अखरोट बहुत लाभकारी होता है। नंबर 5, शहद। शहद में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, विटामिन बी, विटामिन सी, एंजाइम्स और एमिनो एसिड पाए जाते हैं। शहद बाल और त्वचा के लिए कुदरती मॉइस्चराइजर का काम करता है। शहद बालों को नर्म, मुलायम, चमकदार और मजबूत बनाने में मदद करता है। नंबर 6, ग्रीन टी। ग्रीन टी बालों का झड़ना रोककर नए बाल उगाने में मदद करती है। ग्रीन टी नए बालों को प्राकृतिक रूप से बढ़ने में मदद करती है। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे बालों का झड़ना कम हो जाता है, और साथ ही ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स, विटामिन सी, विटामिन ई पाए जाते हैं, जो बालों को लंबे, घने और चमकदार बनाते हैं। नंबर 7, डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही और पनीर, ये बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। बाल प्रोटीन से बने होते हैं और डेयरी उत्पादों में प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ ये विटामिन और मिनरल्स से भी भरपूर होते हैं, जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। नंबर 8, बादाम। बादाम के अंदर आयरन, कॉपर, फास्फोरस, विटामिन B1 और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और नई कोशिकाओं का विकास करता है, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ बने रहते हैं।
नंबर 9 गाजर। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ये न केवल आंखों के लिए फायदेमंद है बल्कि बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। गाजर खाने से बाल मजबूत और चमकीले होते हैं। नंबर 10 केला। केला बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। केले में आयरन भरपूर मात्रा में होता है जिसके कारण खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है जिससे बाल हेल्थी और मजबूत बनते हैं। नंबर 11 खीरा। फ्रेंड्स, जैसे कि अब खीरे की मौसम आ चुकी है तो आप खीरे का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि खीरा बालों को मजबूत बनाता है और झड़ने से रोकता है। गर्मियों में पानी की कमी से आपका दिमाग कमजोर होने लगता है जिससे आपके बाल कमजोर हो जाते हैं और खीरे के अंदर पानी भरपूर मात्रा में होता है जिससे आपका शरीर गर्मियों में हाइड्रेट रहता है। नंबर 12 पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। कद्दू के बीज आपके बालों का झड़ना रोककर उन्हें मजबूत बनाते हैं। कद्दू के बीज का पाउडर बना लें। आप इसके पाउडर का एक चम्मच रोजाना दूध के साथ लें। इससे आपका दिमाग भी मजबूत होगा और बाल भी। इसी के साथ आप अपने आहार में ग्रीन वेजिटेबल्स और मौसमी फलों का सेवन भी करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये वो चीजें हैं जिनके सेवन से आप अपने बालों के झड़ने के रोग से पहले ही बच सकते हैं और इन फूड्स का सेवन करने से आपके बाल हमेशा के लिए मजबूत और चमकदार बने रहेंगे। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे आपके बाल कमजोर और बेजान होने लगते हैं। चाय या कॉफी का सेवन ज्यादा करने से, तले भुने और मसालेदार भोजन करने से, नशीले पदार्थों का सेवन करने से, कम नींद लेने से और पानी के कम पीने से। तो फ्रेंड्स, ये वो चीजें हैं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाती है। बस अब आप ये सारी बातें सही तरीके से समझकर सही तरीके से फॉलो करें। आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।